नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। नगर पालिका परिषद संभल के ऊपरी सभागार में शनिवार को हुई बोर्ड बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। बता दें 11 बजे प्रशासन कमलेश अवस्थी की अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही शुरू की गई थी। वहीं कुछ प्रस्तावों पर सभासदों ने आपत्ति भी जताई और जमकर हंगामा किया, जिसके चलते बैठक बीच में ही रोकनी पड़ी। हालांकि हंगामे के बाद भी बैठक जारी रही। वहीं बोर्ड की बैठक शुरू होने से पहले ही पत्रकारों को भी बाहर किया जाने लगा, जिसके चलते पत्रकारों ने प्रशासन के व्यवहार को लेकर रोष प्रकट किया और बैठक बीच में ही रोकनी पड़ी। हमारे सभासदपति महोदय, पत्रकार महोदय सभी बोर्ड में उपस्थित रहते हुए आए। आज प्रशासक अपर जिला अधिकारी द्वारा सभासदपतियों को बाहर किया गया। चलिए, वो बोर्ड नियमावली के अंतर्गत आता है, मगर पत्रकार महोदय विधानसभा संसद जब भी चलती है पत्रकार महोदय उपस्थित रहते हैं, उनको भी बोर्ड से बाहर किया गया। सभी सभासदों ने उसका विरोध किया, इसलिए बोर्ड का बकआउट कर दिया। कौन लोग थे बाहर करने वाले? जो अपर जिला अधिकारी प्रशासक महोदय नगर पालिका परिषद संभल। बाहर रहने चाहिए, मीडिया वालों का हक बनता है वहां रहने का, इस वजह से सब सभासद बाहर आ गए। सभी ने बहिष्कार किया। फिरोजाबाद में आजकल बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापक सेटिंग का खेल चला रहे हैं, जिसका खुलासा लगातार प्राइम टीवी कर रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी अंजलि अग्रवाल। वहीं आज जब हमारी टीम ब्लॉक के एक नगला नोझर के प्राथमिक विद्यालय में 8 बजे के करीब पहुंची, तो एक शिक्षिका स्कूल का ताला खोल रही थी, जिसके बाद हमारी टीम ने शिक्षिका से लेट आने की वजह पूछी तो वो आग बबूला हो उठी और हमारी टीम के साथ अभद्रता करने लगी और एक पत्रकार का मोबाइल छीनकर भी जमीन पर पटक कर तोड़ दिया और गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर पत्रकार को बंधक बनाते हुए जान से मारने की भी धमकी दी, जिसके बाद महिला शिक्षिका अंकिता ने कवरेज करने से भी टीम को रोका और दुपट्टे खींचने, छेड़खानी के गंभीर आरोप भी टीम पर लगाए। खबर देवरिया जनपद से है, जहां सभी कैदियों को राष्ट्रगान के बाद गायत्री मंत्र का पाठ पढ़ाया गया। जेल में ये सराहनीय पहल सरकार के आदेश के बाद देखने को मिली है। जेलर ने बताया कि सुबह 6:30 बजे राष्ट्रगान के बाद अनुशासन सिखाया जाता है और साथ ही गायत्री मंत्र का पाठ भी पढ़ाया जाता है, जिससे कैदी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं और जेल का अनुशासन भी बना रहता है। तो वहीं अपराधियों को अपराध न करने की सलाह भी दी जाती है। संभल में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिला स्वास्थ्य माह का अप्रैल की मासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें टीकाकरण को लेकर जिला अधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिए कि जिले में सभी के टीकाकरण का कार्य पूरा किया जाए और पंचायत सहायकों को कोविड टीकाकरण में सहयोग के लिए प्रयोग किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई कर्मचारी सही तरीके से काम नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं आयुष्मान गोल्डन कार्ड को कर डीएम ने तेजी लाए जाने की बात भी कही है। आज कलेक्ट्रेट के सभागार में चिकित्सा विभाग की बहुत सघन समीक्षाएं की गई। विशेष रूप से कोविड वैक्सीनेशन को लेके देखा गया कि जनपद में अभी भी बहुत सारे स्तरों पर कोविड वैक्सीनेशन के स्तर में कमी है, जिसमें विशेष रूप से जो 18 साल से कम उम्र के युवक हैं, बच्चे हैं, उनकी कोविड वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज की और सेकेंड डोज की प्रगति जो है अन्य जनपदों के सापेक्ष काफ़ी कम पाई गई। यहाँ पर उपस्थित समस्त MOICs को निर्देश दिए गए हैं कि इस पर खबर संभल से है, जहां बहजोई कोतवाली क्षेत्र के गांव दिलगोरा में फांसी के फंदे से लटका हुआ एक शव मिला। महिला का शव मिलने के बाद लोगों के बीच हड़कंप मच गया, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने ससुराल पर हत्या का आरोप लगाया है। आगे परिजनों ने बताया कि मृतका के पति ने उसके साथ बहुत मारपीट की, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। वहीं से पूरे मामले पर CO गोपाल सिंह ने कहा कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन परिजनों की तरफ से अभी तक कोई तहरीर नहीं आई है और रिपोर्ट आने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। आज
कलेक्ट्रेट के सभागार में चिकित्सा विभाग की बहुत सघन समीक्षाएं की गई। विशेष रूप से कोविड वैक्सीनेशन को लेके देखा गया कि जनपद में अभी भी रामपुर के बिलासपुर थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस सत्कार ढाबे के पास चेकिंग कर रही थी, तभी एक व्यक्ति बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पर आ रहा था। पुलिस ने चालक को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक नहीं रुका। पुलिस के पीछा करने पर चालक ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद बदले में पुलिस ने आत्मरक्षा में उसके बाएं पैर में गोली चलाई। सीओ ने बताया कि हत्यारोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। फिलहाल हत्यारोपी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा था कि यह अपराधी काफी समय से लापता था और इस पर 50,000 का इनाम भी रखा गया था। 17/4/2022 को संदीप सिंह उर्फ दीपू सिंह बिलासपुर से रुद्रपुर जा रहे थे। हाईवे पर उधम सिंह नगर के रहने वाले 6 अपराधियों ने इस पर गोली चलाकर इसकी हत्या कर दी। ये दिन दहाड़े की हत्या थी और अपराधियों द्वारा कानून व्यवस्था को खुला चैलेंज दिया गया था। इसमें जो इनका गैंग सरगना था वो लल्ला यादव और उसका भाई राम प्रकाश यादव है, और ये सभी 6 के 6 अपराधी उधम सिंह नगर के रहने वाले थे। परसों पुलिस मुठभेड़ में लल्ला यादव घायल हो गया था और उसे जेल भेज दिया गया। आज लल्ला यादव का साथी बलराज सिंह उर्फ बल्लू पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है और उसे भी लखीमपुर खीरी जिले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश में अपराध को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पलिया कोतवाली क्षेत्र में सीओ संजय नाथ तिवारी के निर्देश में कोतवाली प्रभारी सैयद मोहम्मद अब्बास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा किया। बातचीत के दौरान थाना प्रभारी ने बताया कि क्षेत्र के ही मजगई में काफी वक्त से ही कुछ लोग अवैध असलाह फैक्ट्री चला रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद छापेमारी कर अवैध असलाह फैक्ट्री के साथ ही मौके से 3 फैक्ट्री संचालकों को भी धर दबोचा है। फिलहाल पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया है। थाना पलिया क्षेत्र के मजगई चौकी क्षेत्र में जंगल के पास एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 14 निर्मित अवैध शस्त्र, जिसमें 3 बंदूकें सम्मिलित हैं, एवं 315 बोर और 12 बोर के कई निर्मित तमंचे हैं, एवं अर्ध निर्मित तमंचे भी बरामद हुए हैं। शस्त्र बनाने के काफ़ी उपकरण उस फैक्ट्री में थे, जिसको कब्जे में लिया गया है। 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इसका जो सरगना है वो पहले भी शस्त्र फैक्ट्री में कई बार जेल जा चुका है और बहुत ही शातिर किस्म का व्यक्ति है। इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए गिरोहबंद अधिनियम के तहत भी भविष्य में इनके विरुद्ध। खबर संभल से है, जहां विधानसभा चुनाव के बाद फिर से थाना समाधान दिवस की शुरुआत जनपद के सारे थानों में हो गई है। बता दें कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में कोतवाली, चंदौसी और थाना बनिया ठेर में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायतों का जिलाधिकारी के समक्ष रखा है। थाना समाधान दिवस पूरे जिले में आयोजित किया जा रहा है। इसमें सभी थानों में रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट की टीमें उपस्थित हैं, जो शिकायतों का निस्तारण करने के लिए थानों से ही प्रस्थान करेंगी। उसके अतिरिक्त अन्य जितनी भी ऐसी पेंडिंग शिकायतें हैं, पुरानी शिकायतें हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विवाद है, जिसमें पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ज्वाइंट सर्वे करना है या ज्वाइंट मौके पर कार्रवाई करनी है, उसके लिए भी सभी थानों में निर्देश किया गया है कि थाना समाधान दिवस समाप्त होने के बाद ऐसे प्रकरणों को चिन्हित करके उसमें अपने स्तर पर भी पार्टियों को, दोनों पार्टियों को बुलाकर ऐसे समाधान किया जाए, ताकि शिकायतों का निस्तारण अधिक से अधिक हो सके। बहुत सारे स्थानों पर ये देखा जा रहा है कि शिकायतें, एक ही शिकायत बार बार रिपीट होकर आ रही है, क्योंकि उनका समय से गुणवत्ता पर निस्तारण नहीं होता।
थाना समाधान दिवस ये एक अच्छा मौका है जिसमें पुलिस और रेवेन्यू ज्वाइंट इंस्पेक्शंस करके ज्वाइंट टीमें गठित करके समस्याओं का। खबर संभल से है जहां रजपुरा क्षेत्र के अनूप शहर के करीब हरियाणा से अज्ञात मजदूरी करके अपने घर वापस लौट रहे थे, तभी बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसमें बाइक सवार एक बेटा और पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि बाइक चालक को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। वहीं इस मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर अलीगढ़ से है जहां जमीनी विवाद को लेकर शराब के नशे में बेटे ने पिता की हत्या कर दी। जब इसकी खबर परिजनों को मिली तो परिवार के लोग उस पर हावी हो गए जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लिया और आरोपी की तलाश में जुट गई। ग्राम चखेरा में राम निवास जिसकी उम्र करीब 70 वर्ष है उसको उसके बेटे चंद्रशेखर ने मारपीट की जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। गांव में मोहना की दुकान पर शराब पी रहा था, 1-2 घंटे हो गए दारू पीते पीते और मैं खेत में चला गया था। मेरे बापू का कहते हैं मेरे पिताजी शाम को बाहर बैठ जाते हैं। क्या नाम था पिताजी का? राम निवास। मेरे पिताजी राम निवास को लात घूसी मारे थे, मुक्का मार के उनकी हत्या करके जमीन के विवाद पे वो फरार हो गया। जमीन के विवाद पे जो जमीन वमीन के नाम की इसकी घरवाली के नाम जमीन कर गई, दारू वारू पीता कुछ बच रहेगी इसकी खा पी लेगी, अपने बच्चों की शादी कर लेगी इसीलिए इसकी कमा खा लेगी। ये तो दारू वालों को कोई भरोसा नहीं, गाड़ी वाला था गाड़ी चलाता, गाड़ी का दारू वालों को कोई भरोसा नहीं होता है इसलिए। कितने दिनों से विवाद चल रहा था? ये कम से कम ये 2-4 दिन से विवाद चल रहा था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ और जनपद न्यायाधीश मऊ रामेश्वर के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली मऊ में व्यक्तियों की गिरफ्तारी से पूर्व गिरफ्तारी के समय और रिमांड स्तर पर प्रभावी विधिक सहायता उपलब्ध कराए जाने के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में किया गया। वहीं इस दौरान यह आदेश दिया गया कि महिलाओं की गिरफ्तारी किसी महिला पुलिस द्वारा ही की जाए और सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तारी नहीं की जाए। जबकि इस विधिक साक्षरता शिविर में अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली संजय त्रिपाठी, पैनल अधिवक्ता सौरभ राय समेत जनपद के कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। हर इंसान टॉर्चरस हो रहा है, कोरोना काल रहा है, लोगों की आर्थिक तंगी आई है, लेकिन सबसे पहले इसमें मैंने सीएमओ साहब से वार्ता करके जो ये रखी है चीज़ें कि मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आमजन से तो पहले है कि अपने स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए योगा पे थोड़ा ध्यान दें। मैं अभी जेल निरीक्षण गया था तो उसमें भी बताया योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज करें, पहले हेल्थ इज वेल्थ जो कहा गया उसको फॉलो करें। और कुछ इस तरह की लीगल वे में समस्या आती है कोई चीज़ तो हमारे स्तर पर मैं उनके लिए हमेशा तत्पर हूँ। प्राधिकरण उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।